पंजाब गुरुआ पीरां पैगंबरां संतां भगतां दी भूमि है। समय समय ते इत्थे अनेक महापुरख पैदा होए, इत्थे विचरे अते तप कीते, इसनू अपनी कर्म भूमि बनाया, परमात्मा नाल एकमिक होए अते लोकाई नू नाम सिमरन दे प्रेरिया। अजाए स्थान है श्री गुरु रविदास तप स्थान खुरालगढ़। पंजाब के जिला हुशियारपुर की तहसील गढ़शंकर स्थित यह पावन अस्थान गढ़शंकर तो नंगल ऊना सड़क से 25 किलोमीटर दूर सज्जे हाथ हटवा है। गढ़शंकर तो इस सड़क से निकलद्या ही 3-4 किलोमीटर तो शिवालिक दियां दमनीक पहाड़ियां शुरू हो जांदियां हन। इत्थों नंगल ऊना सड़क ते ही अगे जा के बाथड़ी बगीची जो कि हिमाचल प्रदेश विच पैंदी है तो सज्जे हाथ जांदा है। ये मार्ग गुरु रविदास जी की चरण छो प्राप्त चरण गंगा अमृत कुंड अस्थान तो होके खुरालगढ़ जांदा है। ये सीधा ते सरल मार्ग है। गढ़शंकर तो 23 किलोमीटर ते चरण छो प्राप्त चरण गंगा है अते उस तो 3 किलोमीटर अगे खुरालगढ़ है। हुण असी पुजदे हाँ सतगुरु रविदास जी तप स्थान खुरालगढ़। ये राह गुरु घर खुरालगढ़ साहब नूं जांदा है। पिंड की घुग बस्ती आबादी विच ये अस्थान वाकया है। बिल्कुल नाल दी ये बरसाती चोई लंघदी है। अब मोहे खूब वतन कह पाई, अब मोहे खूब वतन कह पाई, तुहां खैर सदा मेरे भाई, तुहां खैर सदा मेरे भाई। बेगमपुरा शहर को वक् वक् विद्वाना अनुसार गुरु रविदास जी सीर गोवर्धनपुर बनारस उत्तर प्रदेश तो पैदल चलद्या लुधियाना होंदे हुए सन 1515 ईस्वी विच इत्थे पुजे सन। उन्हां दे नाल उन्हां दियां अनन सेवकावां चित्तौड़गढ़ राजस्थान दी महाराणी रतन कुमरी जिन्हां नूं झालाबाई भी आख्या जांदा सी मीराबाई भी सन।
वर्णन योग है कि चाला बाई चित्तौड़गढ़ के महाराजा संग्राम सिंह जिन्हां नूं राणा सांगा भी आख्या जांदा सी दी पत्नी सन अते मीराबाई राणा सांगा दे बेटे राजकुमार राणा भोजराज दी पत्नी सन। राणा भोजराज नूं मौत ने छोटी उम्र विच ही अपनी बुक्कल विच समेट लिया सी। खुरालगढ़ उस समय कांगड़ा रियासत हुण हिमाचल प्रदेश विच पैंदा सी। इत्थों दा राजा बैन सिंह सी जो मीराबाई दा मास्टर लगदा सी। सतगुरु रविदास जी दा संगतां विच वधदा प्रभाव देख के अते मीराबाई जी दे गुरु जी नाल होण कारण राजा बैन सिंह क्रोधित हो उठिया। राजे ने अपने सिपाही भेज के उन्हां नूं गिरफ्तार करके जेल विच बंद कर लिया अते गुरु जी नूं चक्की खरास चलाउण दी सज़ा सुना दित्ती। इह उही खरास है जो गुरु जी दी अलौकिक शक्ति नाल आप ही चलण लग पिया सी। राजा इस कौतक तों बाद गुरु जी दे चरनी टै पिया अते अपनी पुल बख्शाई। ओह अपनियां राणियां ते होर राजां समेत गुरु जी दे चरणां विच नतमस्तक होया सी। आबादान सदा मशहूर आबादान सदा मशहूर बसे मामूर तुहां गनी बसे मामूर बेगमपुरा शहर को ਇਹ ਉਹ ਵੱਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨਾਜ ਤੋਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਮਹਿਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸਮਾਧਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इस स्थान का पुश्तीनामा माल विभाग के रिकॉर्ड में बकायदा दर्ज है। इसका वेरवा जिमन नंबर 7 दे हजा विच वाक्या है, जो 785 नंबर ते दर्ज है। इस मौके नायब तहसीलदार मुहम्मद जियाउल हक, तहसीलदार माणक राम फंबी, इलाके दे गरदावर लाला खेमचंद, पटवारी लाला मुंशी राम, नंबरदार राणा उपिंदर चंद, अते कलैक्टर सर सैयद अनवर हसैन खान सन। राजा बैन सिंह जदों गुरु जी की शरण विच आए तो उन्होंने इलाके के लोगों नूं नाल लै के गुरु जी पास पानी की काट नूं दूर करन दी बेनती की। गुरु जी सारी संगत ते राजे नूं नाल लै के खुरालगढ़ तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक डूंगी खड विच चले गए। इत्थे उन्हां एक भारी पत्थर नूं पैर दे अंगूठे नाल पिछे हटाया। गुरु जी की रहमत नाल इस पत्थर हेठों पानी का चश्मा फुटिया, जो बीते 500 वरिया तो निरंतर चल रहा है। इसनों चरण छो प्राप्त गंगा अमृत कुंड आख्या जाता है। कहा जाता है कि जदों ये चश्मा फुटिया तो गुरु जी ने राजे नूं आख्या कि वह अखा मीट लवे अते जित्थों तक जाना चाहता है तुरिया जावे। ये गंगा पिछे पिछे उत्थे तक आवेगी। कहिंदे ने कि राजा अजे 500 मीटर ही तुरिया सी कि उसने गुरु जी के बचना ते बेभरोसगी की, जां कह लो कि उन्हां उत्सुकता वस अखां खोल के पिछे वेख्या, ये चरण छो प्राप्त गंगा दा पानी उत्थे ही समा गया। अज भी इसका पानी उत्थों तीक ही वगदा है। ये मंदिर अमृत कुंड विखे ही स्थापित किया गया है। इस विच गुरु जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिथे संगतां श्रद्धा सुमन पेट कर दिया हन। चरण छो प्राप्त गंगा दा पानी बेहद पवित्र है। इस विच प्रदूषण दा कोई नामो निशान नहीं है। इस पानी दी शुद्धता इन्नी है कि इस नूं पीण लई ते लंगर पकाउण लई वरत्या जांदा है। विसाखी वाले दिन हर वरे इत्थे लखां दी गिणती विच संगतां पुजदियां हन। शरधालू तपदे पत्थरां ते भी नंगे पैरी घंटियां बंदी खड़ो के नतमस्तक होण लई अपनी वारी दी उडीक करदे हन। Dale।
पानी नू नेड़े ही एक वक्रे थां ते भी लजाया गया है जिथे मर्द श्रद्धालु इशनान करते हैं ते बीबियां लई वक्रा इशनान कर बनाया गया है। 24 घंटे गुरु जी का अतुट लंगर चलता है। शरीर या रात मोको विचार देहू शरीर या रात मोको विचार देहू शरीर या रात रवदास समदल समझावे को रवदास समदल समझावे को समझावे इतने ही हूँ 500-600 फुट लम्मा 200 फुट चौड़ा हाल संगतां लई उसारिया जा रहा है। ये वो स्थान है जिथे गुरु जी के अन्याइयों अनुसार 2 बार दुध की तारा प्रगट हुई। सन 2009 विच लगातार 2.5 महीने 2013 विच लगभग 2.5 घंटे ये तारा वगदी रही। गरीब बच्चों लई इत्थे एक संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। ये बच्चे दूर नेड़े दियां सिक्ख्या संस्थावां विच्चों विद्या भी ग्रहण कर रहे हैं। इन्हां दी पढ़ाई ते रहन सहन का सारा खर्चा भी इस स्थान की प्रबंधक संस्था आल इंडिया आद धर्म मिशन ट्रस्ट वालों किया जा रहा है। पिंड दे बार बार चरण छो गंगा नूं जांदे राह ते ये गुरु रविदास जी नाल संबंधित यह डिस्प्ले कम टूरिज्म कंपलैक्स है। इत्थे 12 एकड़ थां विच मीनारे बेगमपुरा की उसारी हो रही है जिसका कम जोर शोर नाल चल रहा है। गुरु रविदास जी दियां संगतां अजिहे ही एक स्थान पंजाब दे जिला जलंधर दे पिंड बल्ला जो कि जलंधर पठानकोट सड़क ते पैंदा है विखे डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला विखे भी जुड़दियां हन। ए पवित्र चरण छो प्राप्त चरण गंगा अमृत कुंड इस वेले सतगुरु रविदास जी दे प्रमुख स्थान वजों उभर के सामने आ रहा है। सतगुरु रविदास जी के 40 शब्द ते एक शलोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल किए गए हैं। उन्हां दी एक आरती नाम तेरो आरती मजन मरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल है। पर उंज गुरु जी ने 4 होर आरतियां परमात्मा की उसत विच लिखिया हैं। गुरु जी ने आधुनिक समाज शास्त्री जर्मनी दे कार्ल मार्क्स दे समाजवादी फलसफे तो तकरीबन 400 वरे पहला बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अदो नहीं ते ठाओ शब्द दी राग गौड़ी ग्वारी विच रचना करके बराबरी ते समाजवाद दे विलखण सिद्धांत नू पेश कर दिता सी।
उन्हां ने जात पात दा डट के खंडन किया, क्योंकि उस वेले समाज विच जात पात के आधार ते घोर वितकरा हो रहा सी। उन्हां फरमाया कि संसार के सारे जीव बराबर हैं, जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रविदास पूत सब प्रभु के, को नहीं जात को जात। इसलिए किसी की जात पात नहीं पूछनी चाहिए। संसार के समुचे जीव प्रभु के पुत्र हैं, तो कोई भी जीव उच्ची जां नीवी जात का नहीं हुंदा। गुरु जी ने जात पात का खंडन करदियां कुल लुकाई नूं इको भाईचारा दसदियां रल मिल के प्रभु का सिमरन करदियां किरत करदियां जिंदगी बसर करन दा संदेश दिता। उन्हां फरमाया कि जीव नूं हमेशा सच बोलना, संतोख धारण करना अते सदाचार नूं अपने जीवन का आधार बनाउणा चाहीदा है। जिहड़े जीव यह गुण धारण करके वासनावां का त्याग कर देंदे हन, वह श्रेष्ठ बन जाते हैं। गुरु जी उपदेश देंदे हन, सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास भय नर देवते जिन त्यागे पंच बेकार। गुरु जी उपदेश देंदिया कहिंदे हन कि संसारक सुख विच भी मनुख नूं प्रभु नूं नहीं भुलना चाहीदा। इह सुख रूपी नदी विच डुब के मनुख नूं अपनी सोच नहीं गवाउणी चाहीदी। दुखां दे बदल सिर ते मंडराउंदे होण तां रोणा नहीं चाहीदा, क्योंकि सुख दुख जीवन दे अंग हन। सुख सरिता मैं बूढ़ कर, सूझ बूझ मत खोए, दुख की बदरी पेख कै रविदास नदी जे रोए। उन्हां मनुखता की सच्ची सेवा करन लई लोकाई नूं प्रेरिया। उन्हां कहा कि मनुख नूं मन विच सत संतोख रख के सब की सेवा करनी चाहीदी है, अते सेवा करन नाल ही मनुख नूं सभना सुखां की प्राप्ति हुंदी है। उन्हां जीव हत्या का खंडन करदिआं फरमाया कि मानव नूं कदी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहीदी। जीव नूं मार के खुदा की प्राप्ति किवें हो सकती है? किसी भी पीर पैगंबर अते औलिया ने यह नहीं समझाया कि जीव हत्या नाल खुदा की प्राप्ति हुंदी है। इसे तरह उन्हां शाकाहारी जीवन बतीत करन ते जोर देंदिआं पावन उपदेश दिता। अपने गीव कटाहे जो मास पराया खाहे, रविदास मास जो खात हैं ते नर नर की जाए। जो जीव मास खांदे हन ओह अपना ही गला कटवांदे हन अते नरकां नूं जांदे हन, नरक अधिकारी बनदे हन। गुरु रविदास जी ने प्रभु दा नाम सिमरन ते जोर दिता। उन्हां दा फरमान सी कि परमात्मा दा नाम ही सतनाम है, जो कि आद तो युगां युगांतरां तो सत है, भाव सच्चा है। उस प्रभु दे नाम अगे असत टिक नहीं सकदा। ओंकार है सत नाम, आद जुगाद सब सत, रविदास सत कहे सा मुहे, टिकव नाहीं असत। उन्हां किरत कमाई करदिआं सिमरन करन दा उपदेश दिता। वह कहिंदे हन कि हे जीव, तू रसना नाल प्रभु दा जाप करदे होए हत्थां नाल किरत कमाई कर, तां तैनू इस शरीर रूपी घर विच ही प्रभु नाल मिलाप हो जाएगा। जेवा सौ अंकार जप, हथन सौ कर कार, राम मिले कर आए कर, कह रविदास विचार। निष्काम कर्म करन लई प्रेरदिया उन्हां मनुख नूं समझाया कि जीव कर्मां ते बंधना विच फसिया रहिंदा है अते फल दी आस नहीं त्यागदा, भाव निष्काम कर्म नहीं करदा, पर श्रेष्ठ कर्म करने ही मनुख दा धर्म है। उन्हां दा पावन शब्द है, कर्म बंधन में रम रहे, फल की तज्यो आस, कर्म मनुख को धर्म है, सत पाक है रविदास। गुरु रविदास जी के पावन उपदेशों की अज भी समाज में प्रसंगकता है, जब तक यह दुनिया रहेगी ये प्रसंगकता बनी रहेगी। उन्होंने महान जीवन ते बाणी सदियों तक रहिंदी दुनिया तक लुकाई का राह रुशनाउंदी रहेगी। राजा राम को रसना बिचारे हो, राजा राम।